नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जब भी किसी इंसान की हड्डी टूटती है या फिर फ्रैक्चर होता है तो उस इंसान को गंभीर दर्द का सामना करना पड़ता है। हड्डियों में फ्रैक्चर के कारण मांसपेशियों में भी सूजन बन जाता है, जिससे उस इंसान को बहुत दर्द होता है जिसकी हड्डी टूटी है या फिर फ्रैक्चर आया है। हड्डी जुड़ जाने के बाद भी सूजन और दर्द की समस्या कई दिनों तक बनी रहती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती है। इसलिए डॉक्टर पेशेंट को फ्रैक्चर वाले हिस्से में गर्म पानी में नमक या फिटकरी डालकर सिकाई और तेल से मालिश करने की सलाह भी देते हैं, जिससे कि फ्रैक्चर के कारण होने वाली सूजन और दर्द से छुटकारा पाया जा सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हड्डी टूटने के बाद मालिश के लिए आप किन किन तेलों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैतून का तेल। जैतून के तेल से मालिश करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है और फ्रैक्चर का प्रभाव कम होता है। यह मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे यह मांसपेशियों में सूजन, तनाव और ऐंठन जैसी समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है। नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक गुण होते हैं, जिससे यह हड्डियों में दर्द और सूजन को दूर करने में काफ़ी लाभकारी होता है। तिल का तेल। दर्द की समस्या को दूर करने में तिल के तेल से मालिश करना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर आप तिल के तेल को गर्म करके इससे फ्रैक्चर से प्रभावित हिस्से की मालिश करते हो तो इससे दर्द में बहुत आराम मिलता है। लौंग का तेल। हड्डियों के दर्द को दूर करने के लिए लौंग का तेल बेहतरीन एसेंशियल तेलों में से एक है। यह भी सूजन को दूर करने में बहुत प्रभावी है और दर्द की समस्या में राहत प्रदान करता है। पुदीने का तेल। पुदीने का तेल दर्द से होने वाली सूजन के साथ ही टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी लाभकारी है। यह मांसपेशियों और टूटी हुई हड्डियों के कारण मांसपेशियों में होने वाले हिस्से तथा ब्लड सर्कुलेशन करने में भी मदद करता है। ये बताई गई जानकारी इंटरनेट और अन्य माध्यमों से आपको दी जा रही है। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए।